एक न्याय प्रार्थी आपसे मिलना चाहता है। पहरेदार, न्याय प्रार्थी को मेरे कक्ष तक ले जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। जो आज्ञा महाराज। न्याय प्रार्थी हो? जी महाराज। बोलो, क्या बोलना है? महाराज, मैं हीरा लाल हूँ, नंदीपुर गांव में निवास करता हूँ। विगत वर्ष मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। एक महीने पहले मेरे पिता को मरे एक वर्ष हुआ। सोचा था गया जाकर उनका पिंडदान कर दूँ, जो सोचा वही किया। जाने के पहले मैं अपने कोषाध्यक्ष हीरक सेन को व्यापार की जिम्मेदारी दिया था। उसके साथ ही अपने पास से 1,00,000 रुपए और कुछ पारिवारिक अलंकार भी दिया था। गया से वापस आकर मैं उसके पास 2 बार अपने पैसे और गहने मांगने गया था, किंतु वह देने से इनकार किया। ठीक है, कल अपने सामान की रसीद और पैसे की रसीद लेकर मेरे दरबार में आओ। वह तो रसीद नहीं दिया था महाराज। तुम जिस समय रुपए और अलंकार दे रहे थे, उस समय वहाँ पर कोई गवाह उपस्थित था? नहीं मंत्री महाशय। तब उपाय? लग रहा है उसको सबक सिखाना पड़ेगा। किस प्रकार? आज सोमवार है, अगले बृहस्पतिवार तक राज दरबार बंद रहेगा। महाराज, आप कल ही उस मुनीम को किसी को भेजकर बुलवाइए, मैं उसे कहूँगा। जिस प्रकार से दिन पर दिन चोरी डकैती बढ़ती जा रही है, महाराज को अकेले विचार करने में बहुत ही मुश्किल हो रही है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ गोपाल? इस विषय में नवाब बहादुर से बात किया था। उन्होंने कहा था कि तुम अपने पसंद के सहकारी ढूंढ कर ले आना। तो बोलिए, आप किस प्रकार का सहकारी पसंद करते हैं? अरे सहकारी साहब से तो मैं आपको ही पसंद किया हूँ। यह बात नवाब बहादुर को दूत के जरिए मैं भेज दिया हूँ। अब केवल उनके संदेश आने की प्रतीक्षा है। संदेश आते ही शुक्रवार से आप विचार सभा में बैठिएगा। बस चाचा जी, आपके मित्र का बेटा हीरा मल फिर से आया है। उसको जो बोलना था मैं तो बोल दिया था, फिर क्यों वापस आ रहा है? मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जो बोले थे वह सब गलत था। कल ही मैं तुम्हारे विरुद्ध राजा के पास जाकर शिकायत किया हूँ। मेरा दृढ़ निश्चय है राजा इसका विचार अवश्य करेंगे। क्या जी, अगले बृहस्पतिवार को नवाब बहादुर के पास से आपका शिकायत आएगा और शुक्रवार से आप राजा के सहकारी विचारक बन जाएंगे। यही नहीं, इसके बाद से तो मेरे दोनों हाथों में लड्डू होंगे। अगर आपका शिकायत राजा के पास चला गया तो क्या होगा, सोच सकते हैं? सहकारी विचारक तो बन नहीं सकेंगे, बदले में आपको राजा काल कोठरी में डाल देंगे। तब उपाय क्या है श्रीमती? आप अभी हीरा लाल को बुलाइए और उसे कहिए। अरे हीरा मल, अभी तुम्हारे साथ मैं मजाक कर रहा था। ये लो अपने रुपए और अपने पारिवारिक अलंकार। तो ठीक है हीरक सेन, अब मैं चलता हूँ। हीरा मल तो अपना सामान वापस पा गया, लेकिन बृहस्पतिवार को जब हीरक सेन आएगा तब तुम क्या बोलोगे? बोलूंगा कि नहीं नहीं मुनीम जी, मैं बोला था कि अगले शुक्रवार से आपको सहकारी विचारक नियुक्त करूंगा, लेकिन आज नवाब बहादुर संदेश भेजे हैं कि सहकारी वह खुद ही नियुक्त करेंगे। अरे यह क्या हो गया? तब तो मैं दोनों ओर से चला गया, अब मेरा क्या होगा? अरे यह क्या, यह तो बेहोश हो गया। बेहोश क्यों नहीं होगा, अच्छी सबक जो मिल गई है उसे। एक बूढ़ा बांस था, उसकी नजर भी कमजोर हो चुकी थी। ना खाए पिए उसके शरीर में कमजोरी सी आ गई थी। एक दिन उड़ते उड़ते एक पेड़ पे जा पहुंचा। उस पेड़ पे ढेर सारे चिड़ियों की बास थी। उस बांस को सारे चिड़ियों ने घेर के कहा, देख देख उस बकुले को जैसे दिन में भी नींद आ रही हो। हाँ ठीक बोल रही है।
सूख के कांटा हो गया है, जैसे लग रहा है बहुत दिन से खाना नहीं मिला। टलो डाके उठते ही पूछते हैं उसका हाल ऐसा क्यों है। हाँ, चलते हैं। ए बकुले भैया। हाँ बकुले भैया, कहाँ से आए हो? उधर दूर से, वहीं एक पेड़ है, वहीं से आया हूँ। अपनी जगह छोड़ के क्यों आए हो भैया? वह बहुत दुख की बात है। कैसी तकलीफ की बात, बताओ जरा। अरे भाई, मेरी तो उम्र हो गई है, पंखों में जोर नहीं रह गई, आँखों से भी नहीं देख पाता हूँ। लेकिन मैं जहाँ रहता था वहाँ कम उम्र के बहुत सारे बगुले थे, वे मुझे सम्मान तो करते ही नहीं, साथ में जोर जबरदस्ती सारे खाना खा लेते। इस तरह नहीं खाने के कारण शरीर में जो भी बल बचा था खत्म हो गया, इसीलिए दुखी होकर मैं वहाँ से आ गया। चारों ओर नजर जाती है लेकिन शक्ति नहीं रह गई, उड़ते उड़ते यही आ गया हूँ। बकुले भैया, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम यही रहो, हम लोग खाने की बंदोबस्त कर देंगे तुम्हारी, लेकिन एक शर्त है। बोलो बोलो, क्या शर्त है? इस एरिया में एक शैतान बिल्ली है, उससे हमेशा हम लोग डर के ही रहते हैं। वो बिल्ली हम लोगों के बच्चों को खाना चाहती है, और हम लोग खाना खोजने जाते हैं तो निश्चिंत नहीं रहते हैं। इसीलिए तुम हम लोगों के बच्चों का दिल में ध्यान रखना, हम लोग तुम्हारे लिए खाना ढूंढ के लाएंगे। वाह वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है, बैठे बैठे ही खाना मिलेगा, तथास्तु। उसी दिन से चिड़िया निश्चिंत होके खाना खोजने निकलती है, और बूढ़ा बकुला सोते जगते बच्चों की रखवाली करता है। जब चिड़िया वापस आती है तो बकुला खाना खाता है। ऐसे ही बीत गई कुछ दिन, लेकिन एक दिन कौन है वहाँ पर? डरो मत बकुला जी, मैं हूँ बिल्ली। कौन? तुम वही बिल्ली हो जिसकी बातें चिड़ियों ने कही है? उनके बच्चों पर तुम्हें बहुत लालच आती है ना, लेकिन मेरे रहते ऐसा संभव नहीं हो सकता। लेकिन सावधान, एक कदम आगे बढ़ाते ही मैं तुम्हें ठोकर मार दूंगा। छी छी छी, क्या बोल रहे हो बकुला जी? हत्या अब मैं नहीं करती, चिड़िया लोग जो बोली है मैं वो पहले करती थी, अब नहीं, अब मैं वो सब छोड़ दी हूँ, अब मैं धर्म के पथ पे चल रही हूँ। मेरे यहाँ आने का दूसरा कारण है। क्या कारण है सुनू? मैं सुननी हूँ कि आप बहुत ही दयालु हैं और धार्मिक। चिड़िया लोग जब खाना तुम्हें देती है, इसके बदले में आप उनके बच्चों की रखवाली करते हो, वही तो मैं देखी हूँ। तो फिर सुनिए बकुला जी, मैं आपके पास आए हूँ कुछ अच्छा उपदेश के लिए। कैसे करके मैं अपना जीवन और भी धार्मिक व्यवस्था से बिताऊं? वह सुन के बकुले का मन भर आया और वह अहंकारी हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम यहीं आओ, सुनो सुनो, तब मैं तुम्हें कुछ अच्छी बातें बताता हूँ। कुछ बातें बताने के बाद थोड़ी ही देर में बूढ़ा बकुला सो गया, और उसके बाद लग रहा है बकुला थक के सो गया है। जा रही हूँ, यही मौका है, काम खत्म कर लेती हूँ। बिल्ली मौका पाते ही चिड़ियों के बच्चों को खा गई और वहाँ से भाग गई, और बकुला को पता भी नहीं चला, वो सोता रह गया। उसके बाद शाम होने के बाद चिड़िया आके अपने बच्चों को नहीं पाई।
आय हाय, हमारे बच्चों को कौन खा लिया? पहले ऐसा होता तो मैं बोलती बिल्ली खाइए, अब तो वो बूढ़ा बकुला है, अब कौन खाया? कौन खाएगा? खाने वाला एक तो वही है। हाँ हाँ, ठीक बोल रहे हो, वही बूढ़ा भूखा है, वही बकुला खाया होगा हम लोगों के बच्चों को। हाँ, तो फिर चलो तुम सब उसे सजा देनी होगी और उचित शिक्षा भी। चलो हाँ हाँ, हाँ, हाँ चलो चलो, चलो। अरे गब्बू और गब्बू को बहुत दिन से मुसीबत में नहीं डाले। अरे उन दोनों को मुसीबत में डालने के लिए मेरे दिमाग में एक आइडिया है। कौन सा आइडिया है? अरे अभी नहीं, सबके सामने, अभी एक सबसे जरूरी काम है। कल सुबह एक हम लोग चिट्ठी भेजेंगे। गब्बू, तुम्हारा चिट्ठी आया है, ये लो। दीजिए दीजिए। लो लो। अरे बापू बापू, ये तो एक नक्शा है। नक्शा? कैसा नक्शा है गब्बू? शायद लगता है ये गुप्त धन का नक्शा है। ये टेढ़ा मेढ़ा क्या लिखा है देखना, दरबारी ठाकुर के बगान में जो आम का पेड़ है वहाँ से 10 कदम आगे जाने पे धन प्राप्त होगा। मेरा मन कह रहा है कि मेरा साथ कोई मजाक कर रहा है कि धन मिलेगा। मैं देखूंगा एक बार, क्योंकि स्वामी जी ने कहा था कि कान से सुना हुआ बात और आंख से देखा हुआ बात सच होता है, मैं वही देखूंगा। अरे तो फिर चल, अभी चलकर हम लोग देखते हैं। अने कैसा लगा खेल? बहुत अच्छा। अरे वाह, तो वही ठाकुर का बगीचे का पेड़ है जो नक्शा में था। एक दो तीन चार आठ नौ दस। अरे 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 अरे, ये क्या हो गया हमको? कहाँ फंस गए आकर यहाँ? बहुत पहले तुमको तो मैं बोला था कि हम दोनों साथ कोई मजाक किया, तुम बात मेरा नहीं माना। कैसे करोगे? वही तो सोच रहा हूँ। काबू। हाँ बोल। अरे वो जल्दी किकरा पकड़ तो। अच्छा अच्छा अच्छा, पकड़ रहे हैं। अरे वो दोनों आ रहा है इधर, चलो उससे मजा लेते हैं। हाँ चलो चलो। अरे कैसा गुप्त धन मिला है जी? अरे ज्यादा कुछ नहीं मिला है यार, बस ये खाली मोहर मिला है। मोहर? अरे तुम दोनों हम लोगों को भेजा था उल्लू बनाने के लिए, लेकिन देखो हम लोग कितना फायदा में है। अरे मेरा तैयारी किया हुआ नक्शा पे जो गुप्त धन मिला है और तुम्हारा नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा, ये तो मेरा है। अरे ये अच्छा नहीं हो रहा है, वो हारी वाला मोहर मेरा दे दो। अने मैं तुम्हारा हानि दे दूंगा, पहले मोहर तो उझिल लूं। ओए लड़का, तुझे रास्ते में चलने की कोई तमीज नहीं है क्या? चल मेरे साथ थाने, चल। मैं थाने में ही जा रहा था, जो गुप्त धन ये मिला है हानि में उसी को जमा करने के लिए थाने में ही। इस मटके में क्या है दिखाओ, दिखाओ मुझे दिखाओ। ये क्या, जो हानि में मोहर और साड़ी में केकड़ा? शैतान लड़के, मुझे केकड़ा से कटवाया। नहीं भागो, ओ लड़का, भागो, भागो, भाग रहा भागो, है। भागो, 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 जल्दी भागो, भागो। टब्बू, जैसी करनी वैसी भरनी टब्बू। एक राज्य था लेकिन छोटा और शक्तिशाली था। राजमाता सुचंद्रा अपने दोनों बेटे काल केतु और श्वेत केतु के साथ रहती थी। उनका बड़ा बेटा श्वेत केतु पूरा दिन राज्य के काम संभालने के बाद दोनों भाई पासा खेलते थे। ये देखो पाँच। इस बार आप हार जाएंगे भैया। महाराज इन लोग आपसे मिलने आए हैं।
क्या बात है बोलिए। महाराज कुछ दिनों से गांव में हंगामा मचा है, गाय भैंस गधा सब कुछ अचानक गायब हो जा रहा है। जंगल के पास में गांव है हमारा, शेर बाघ या चोर हो सकते हैं। आप लोग डरिए मत, मैं सेनाओं को भेज दूंगा जंगल में पहरा देने के लिए। सेना भेज रहे हैं तो भेजिए भैया, लेकिन मैं भी साथ में जाऊंगा। एक बार मैं अपने आंखों से मैं सब देखना चाहता हूँ। ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे। बातों के अनुसार कल के तू सेनाओं के साथ रवाना हो गए इधर जंगल में। धत, रोज रोज पशुओं का मांस खा खा के मेरा मुंह पक गया है। किसी इंसान का मांस मिलता तो अच्छा होता। आप बेवकूफ है, मरना चाहते तो इंसान खा सकते थे। कैसे? सुनिए, राज्य का छोटा राजा कालकेतु जंगल घूमने आए हैं। हाँ, तू ठीक बोल रहा है। वो देखो छोटे राजा कालकेतु। रुक जाओ, अभी मजा चलता है। इस जंगल में कौन रो रहा है? महाराज, किसी औरत की रोने की आवाज है। अब यहीं पे रुकिए, मैं जाके देखता हूँ। माँ जी, आप कौन है? इस जंगल में बैठ के रो क्यों रही है? कौन हूँ मैं? तू देखना चाहता है तो फिर देख मुझे। छोड़ूंगा लेकिन अपने मुंह में। महाराज, जंगल में से चिल्लाने की आवाज आई थी। हाँ, एक खतरनाक डाकू था, उस डाकू को मैंने मार दिया, उसी का चिल्लाने का आवाज था। चलो अब महल में चलते हैं। सच में छोटे, आज तुम्हारे वजह से मुझे बहुत गर्व हो रहा है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? आपके साथ पासा खेलना चाहता हूँ। अगर आप हार गए तो आपके जगह मैं राजा बनूंगा और आपको ये राज्य त्याग कर जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। पासा खेलने बैठे सेठ के तू अपने भाई के रूप में अभी राक्षस के साथ खेल में हार गए और महल से जाने का वक्त। काल केतु, तुम जो कर रहे हो बहुत बड़ी अन्याय है। ये मत भूलिए कि अब मैं राजा हूँ। मुंह संभाल के बात करो, वरना क्या करोगे? देखोगी क्या करूँगा मैं। ठीक है तो फिर देखो। पहरी आदेश महाराज। इसे इसी वक्त कल कोठरी में बंद कर दो। इनको कल कोठरी में? क्या हुआ, मेरा बात सुनाई नहीं दिया? नहीं नहीं, जा रहा हूँ, आइए रानी माँ। क्या हुआ, अभी भी तुम यहीं पे खड़े हो? जा रहे हो या फिर मृत्यु दंड दूँ? नहीं नहीं भाई, मैं जा रहा हूँ। राजमहल छोड़कर सेठ के तू इधर उधर भटकने लगे। रात को मंदिर में रहते थे और इधर राक्षस ने अपना अत्याचार पूरे राज्य में करने लगा। तभी एक दिन ओम नमः शिवाय। देवों के देव महादेव प्रणाम। तुम्हारा प्रजा राक्षस के अत्याचार से दुखी है। ये कैसे हो सकता है, मैं तो अपना राज्य अपने भाई को सौंप के आया हूँ। वो तुम्हारा भाई नहीं है, वो राक्षस तुम्हारा भाई का बात करके रूप बदल लिया है। ए लो त्रिशूल, इस त्रिशूल के द्वारा उस राक्षस का वध करना और अपना राज्य संभालना। जो आज्ञा महादेव। तुम फिर से आ गए, मेरा सिंहासन हासिल करने आए हो। सिंहासन पाने से पहले तुम नरक में जाओगे।
तुम्हारे ज्वाला को तो मैं बीच में रोक दिया। देखो तो तुम मेरे इस त्रिशूल को ऐसे रोकते हो। उस दिन से सेठ के तू अपने राज्य को संभालने लगा। राजमाता सुचंद्रा भी अलकोट्री से मुक्त हो गई, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है कि राजा सेठ के तो जब राज्य त्याग के जा रहे थे तो माँ को क्यों नहीं लेके गए। कारण यह था कि राजा सेठ के का उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था। अगर ले जाते तो ये उनकी मूर्खता होती।